तो दोस्तों फाइनली रेलवे एनटीपीसी की 8113 वैकेंसी के लिए फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आज ही सुबह जिस बड़े बदलाव के बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी थी, उसी बड़े बदलाव के साथ इस वैकेंसी को निकाला गया है। हालांकि बदलाव काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग खुश भी हो चुके हैं ये बदलाव देखकर। तो आगे इस वीडियो में पूरे नोटिफिकेशन को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी चेंजेस हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे और बारीक से बारीक चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले सारी जानकारी आपके पास अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करता हूं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो ये आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन लगा हुआ है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको पता ही है। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 सितंबर यानी कि आज पब्लिश हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे, वो 14 सितंबर 2024 से होंगे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 13 अक्टूबर 2024 रखी गई है। रात के 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म मॉडिफिकेशन करने की आखिरी तारीख क्या है, 16 अक्टूबर 2024 से फॉर्म मॉडिफिकेशन की विंडो खुल जाएगी और 25 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म मॉडिफाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप कोई गलती ना करें, ताकि आपको फॉर्म मॉडिफाई करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि फॉर्म मॉडिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पर लिया जाएगा। कितना चार्जेस लिया जाएगा आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एज इट इज वही 5 पोस्ट है और टोटल वैकेंसीज वही आपकी 8113 क्लियर है। ये 5 पोस्ट है ग्रेजुएट पास वालों के लिए। ये नोटिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी का है, ठीक है। 12th वालों के लिए 21 सितंबर को नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। पहली पोस्ट आपकी वही चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, जिसके ऊपर 1736 वैकेंसीज थी। दूसरी स्टेशन मास्टर की है, 994 वैकेंसीज। तीसरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, 3144 वैकेंसीज। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 वैकेंसीज। साथ ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसीज है, क्लियर है। सभी पोस्ट के ऊपर मिलने वाला इनिशियल पे बेसिक पे यहां पर लिखा हुआ है। साथ ही दोस्तों एज लिमिट भी यहां पर रखी गई है। तो सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहां पर वैकेंसीज को जोन वाइज भी डिवाइड किया गया है, किस रेलवे जोन से, किस पोस्ट के ऊपर, किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसीज है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। वो हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी तो आपको पता चलेगा कौन से रेलवे जोन से सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए। इस बार देखिए दोस्तों, जो सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट है वो 18 से 36 साल है। वैसे स्टैंडर्ड जो एज लिमिट है ग्रेजुएट पास वालों के लिए वो 18 से 33 साल है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से आपको 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। अगले साल जब वैकेंसी आएगी तो 18 से 33 साल ही एज लिमिट रहेगी जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो इस बार 18 से 36 साल है जनरल वालों के लिए एज लिमिट। एज आपकी 1 जनवरी 2025 तक कैलकुलेट हो रही है। ओबीसी एसटीएससी वालों को एज में रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए एज में रिलैक्सेशन 18 से 36 साल सभी जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। देखिए दोस्तों, जो मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2007 तक है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो जरूरी है आपका जन्म 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, आप एलिजिबल है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1986 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले पोस्ट वाइज इनिशियल इनहेरेंट सैलरी को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, सबसे बेहतरीन पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो इनिशियल बेसिक पे है वो 35,400 है, लेकिन ये जस्ट बेसिक पे है। जो सिलेक्शन होने के बाद आपके हाथ में सैलरी आएगी पहले ही महीने, वो लगभग आपकी 67,000 के आसपास रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 67,000 के आसपास आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी, और इतनी सैलरी आपको स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर मिलने वाली है, क्योंकि इस बेसिक पे में आपका 50% तो बेसिक पे का 50% तो डीए डियरनेस अलाउंस जुड़ जाता है, फिर आपका एचआरए जुड़ता है, फिर आपके बहुत सारे अलाउंस जुड़ने के बाद हाथ में आपकी 67,000 के आसपास सैलरी आएगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की पोस्ट है, इस पोस्ट का जो बेसिक पे है 29,200 है। तो इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहेरेंट सैलरी लगभग 55,000 के आसपास आपके हाथ में आने वाली है, थोड़ी बहुत इससे
ऊपर या फिर नीचे, वो जोन वाइज भी मैटर करता है, क्लियर है। और इतनी ही सैलरी आपकी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो लगभग 55,000 से 57,000 के आसपास आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी इन तीनों पोस्ट के ऊपर, और अराउंड 67,000 या फिर उससे थोड़ी बहुत कम या ज्यादा सैलरी इन तीनों पोस्ट के ऊपर आपको मिलेगी। तो सैलरी में यहां पर कोई भी कंजूसी नहीं करी गई है, सैलरी आपको बेहतरीन मिलनी शुरू हो जाएगी पहले ही महीने से। अब फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारी जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए शुरुआत में 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, लेकिन दोस्तों सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद 400 रुपए आपके अकाउंट में वापस रिफंड कर दिए जाएंगे, तो फॉर्म फीस कितनी हो जाती है? 100 रुपए हो जाती है। एसटी एससी फीमेल्स के लिए शुरुआत में 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे, लेकिन सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद 250 के 250 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, तो फॉर्म फीस यहां पर कितनी हुई? एक तरीके से 0, क्लियर है। एज लिमिट मैंने बता दी, क्वालिफिकेशन भी आपको बता दी, जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ग्रेजुएशन में फिर चाहे आप कितने भी नंबर हो किसी के, अगर आप पास भी हो ना ग्रेजुएशन में, ठीक है, आप पास हो, आप एलिजिबल है, नंबर यहां पर मैटर नहीं करते, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग नहीं है, समझ गए इस चीज को, ठीक है। और ना ही आप पर कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट, टाइपिंग का एक्सपीरियंस या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। टाइपिंग टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है ना, बीए बीसीए बीएससी बीकॉम बीबीए कुछ भी, तो आप एलिजिबल है, ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि जब हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, दूसरे नंबर पर आपका सीबीटी 2 होगा, ये भी एक एग्जाम है, तीसरे नंबर पर आपका स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बाकी की जो दो पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, और बाकी की जो एक पोस्ट हमारी दो पोस्ट बच जाती है उनके लिए आपका थर्ड स्टेज में केवल मेडिकल टेस्ट होगा, उनकी थर्ड स्टेज में कुछ भी नहीं है। वो कौन सी पोस्ट है जिनकी थर्ड स्टेज में कुछ भी नहीं है दोस्तों? वो आपकी पोस्ट है एक तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी थर्ड स्टेज में कुछ नहीं है, टाइपिंग टेस्ट यहां पर नहीं होगा, और गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है। इन दो पोस्ट के ऊपर टाइपिंग टेस्ट है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर थर्ड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये क्या बवाल चीज है, आगे हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, सीबीटी 1 एग्जाम आपका टोटल 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से टोटल 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के अंदर, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 90 मिनट आपके पास रहेगी, एग्जाम में 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए दोस्तों, सीबीटी 1 एग्जाम सभी पोस्ट के लिए बिल्कुल कॉमन है, एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज और रेलवे के जोन वाइज बनेगी, क्लियर है। यानी कि स्टेशन मास्टर जनरल ओबीसी एसटीएससी की कट ऑफ अलग, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर जनरल ओबीसी एसटीएससी अजमेर जोन की अलग, ठीक है, इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी, तभी तो पता चलेगा कि सीबीटी 2 में आपने किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, क्लियर है। और इस कट ऑफ को किस तरीके से बनाया जाएगा यह देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 15 टाइम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है, 15 टाइम 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। मान के चलिए स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, इस तरीके से आपकी हर एक पोस्ट की कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है। आपने नोटिस कर लिया होगा सीबीटी 1 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे, इसीलिए तो दोस्तों आपके लिए रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक लॉन्च कर रखी है। ये रामबाण है रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए, एनटीपीसी नहीं, चाहे आपका एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ ग्रुप डी ही एग्जाम क्यों ना हो, फोड़ के आओगे, जनरल अवेयरनेस के रग रग में घुस जाओगे इस बुक से अगर आप तैयारी करोगे। प्रीवियस ईयर में रेलवे के जितने भी एग्जाम है सभी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दे रखे हैं, स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज दे रखे हैं, मोस्ट रिपीटेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपके सॉल्यूशन के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट अमेजोन से तैयारी खरीद के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। स्टेज सेकंड एग्जाम सिलेबस को हम आगे डिस्कस करेंगे, स्टेज सेकंड एग्जाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्टेज सेकंड एग्जाम जो आपका होगा ना वो आपका 120 नंबर का होता है, 120 ही क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहां पर जनरल अवेयरनेस से आएंगे, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन। एग्जाम में 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पेपर रहेगा, लेकिन इन 120 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास केवल 90 मिनट रहेगी और वही 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। खास बात यह है कि इस बार सीबीटी 2 एग्जाम सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, बिल्कुल सेम रहेगा, और यही वो सबसे इंटरेस्टिंग सबसे बड़ा बदलाव है। पहले क्या
होता था, लेवल 4 की पोस्ट के लिए सीबीटी 2 अलग, लेवल 5 की जितनी भी पोस्ट है उनका सीबीटी 2 अलग, लेवल 6 की जितनी भी पोस्ट है उनका सीबीटी 2 अलग। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, देखिए जितनी भी पोस्ट है सीबीटी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है सीबीटी 2 कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि सीबीटी 2 भी आपका सभी पोस्ट का सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, बिल्कुल क्लियर है। बस आपकी कट ऑफ अलग अलग बनने वाली है सीबीटी 2 की भी, ठीक है। सीबीटी 2 एग्जाम होने के बाद एक और इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये भी इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ 120 नंबर में से बनेगी, और ये भी रेलवे के जोन वाइज पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज बनेगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और इस कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि थर्ड स्टेज के लिए 8x8 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके, समझ गए यहां तक। एग्जाम सिलेबस के ऊपर भी नजर डाल लीजिए, जनरल अवेयरनेस का इस बार एग्जाम सिलेबस थोड़ा सा इन्होंने खोल के रख दिया है, आप खुद देख सकते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल, गेम और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, साथ ही मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस ऑफ और लाइफ साइंस, 10th लेवल के 10th क्लास लेवल के क्वेश्चंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि नेशनल मूवमेंट जो होती है, फिजिकल सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इंडियन पॉलिटी, ठीक है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने यहां पर दे रखा है। ऐसे ही आपका मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस दे रखा है जिसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एडवांस मैथ, मॉडर्न मैथ से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारे एडवांस मैथ के टॉपिक हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, या फिर वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल में पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा दे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया जो थर्ड स्टेज होगी, किस पोस्ट के लिए थर्ड स्टेज में क्या होगा, किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होगी और किस पोस्ट के लिए सीबीएटी होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर की थर्ड स्टेज जो स्किल टेस्ट है वो है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट की थर्ड स्टेज में टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में भी थर्ड स्टेज में टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की थर्ड स्टेज में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्टेशन मास्टर की थर्ड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, सबसे यूनिक है, मतलब और किसी पोस्ट में नहीं है, केवल इसी पोस्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं जिन जिन पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट है, क्लियर है, उसको देख लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बाद में देखेंगे। लो भाई, टाइपिंग टेस्ट का क्या फंडा है, केवल दो पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, जिसमें से एक आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इन दोनों पोस्ट के लिए। हिंदी या फिर इंग्लिश की आप टाइपिंग कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी, हिंदी की अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर आपके टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है, हार्ड कॉपी या फिर स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाएगा आपको टाइप करना होता है। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, मतलब हिंदी वालों को 10 मिनट में 250 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे, इंग्लिश वालों को 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे, क्लियर है। तो ये आपके स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो हिंदी में दो फॉन्ट आपके चलेंगे, कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट, बाकी इंग्लिश में तो एक ही फॉन्ट होता है। तो टाइपिंग से घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो दिन में वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिससे आप 2 महीने के अंदर टाइपिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि मैं खुद एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं तो टाइपिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरे पास है ही, क्लियर है। साथ ही दोस्तों, स्टेशन मास्टर की पोस्ट की थर्ड स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 42 मार्क्स लेकर आने होंगे, ठीक है, जितनी भी बैटरीज आपकी होंगी उनमें लेकर आने होंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये होता क्या है, सीबीएटी 2 टेस्ट होता है, एक तरीके का साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका होता है, ठीक है, साइकोटेक्निकल, ठीक है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है, एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा जहां पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में आपको बता रहा हूंगा। वैसे आपको सारी जानकारी rdso indianrailways.gov.in की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा, क्लियर है। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम होगा ना वो मल्टीपल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज तो आपकी रहेगी, उसमें बाकी आप रीजनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि असमी, गुजराती, पंजाबी और हिंदी, ऐसे आप एग्जाम को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और सीबीएटी में आप हिंदी और इंग्लिश, इन दो, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम
एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और सीबीएटी टेस्ट जो होता है ना, जो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बाकी जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 है उसमें तो 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन सीबीएटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहां पर इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। और इस एग्जाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, और ये केवल एसएम मतलब स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर ही है, क्लियर है। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, फाइनल मेरिट किस तरीके से बनने वाली है, ठीक है। जोन वाइज वैकेंसीज को आगे हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए एक बार हम पोस्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 5 पोस्ट हैं आपकी, तो जितनी भी पहली 4 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट को छोड़ दीजिए फिलहाल, तो ये जो 4 पोस्ट है इनका जो सिलेक्शन होगा ना वो सीबीटी 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 2 तो ऐसी पोस्ट थी जिनमें आपका थर्ड स्टेज था ही नहीं, बाकी जिनमें भी टाइपिंग टेस्ट था, टाइपिंग टेस्ट में कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो आपका केवल और केवल सीबीटी टू के बेसिस पर होगा। और ये कितने नंबर का था, 120 नंबर का था, तो भाई एक फाइनल मेरिट बनेगी 120 नंबर में से, स्टेशन मास्टर को छोड़ दीजिए फिलहाल, 120 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी, और ये आपकी रेलवे जोन वाइज पोस्ट वाइज, और फिर से ये आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है, मतलब गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट की जनरल कैटेगरी से अजमेर जोन की कट ऑफ ये है, ठीक है, प्रयागराज जोन की है, गोरखपुर जोन की है, सिलीगुड़ी की है, इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे ना, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट को दे रहे हो। आप कहोगे कि मेरी पहली चॉइस जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, दूसरी चॉइस मेरी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, तीसरी पोस्ट स्टेशन मास्टर की, इसलिए पोस्ट वाइज आपके कट ऑफ बनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट का जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सीबीटी 2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर होगा, ठीक है। यहां पर सीबीटी 2 का 70% वेटेज लिया जाएगा स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर, दिखा देता हूं लिख रखा है इन्होंने, 70% वेटेज जो रहेगा सीबीटी 2 का रहेगा, 30% वेटेज जो रहेगा सीबीएटी का रहेगा, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड करके स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी, तो सबसे अनोखी स्टेशन मास्टर की पोस्ट हमारी हो जाती है, समझ गए। तो भाई ये है चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज, मैंने आपको बता दिया है, ये सारी की सारी हमारी रीजनल लैंग्वेज भी यहां पर है, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, उड़ियाई, और भाई ये जितनी पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। तो आप इसको चूज कर सकते हो, और आपका फाइनल जब मेरिट बन जाएगी उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के सारे स्टैंडर्ड्स इसके नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, यहां पर शुरुआत में ही दे रखे हैं। ये रहा किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें B2 है, A2 है, A2, C2, C2 ये क्या है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। C2 अगर किसी पोस्ट का B2 मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है जिसमें आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए क्या क्या आपका मेडिकल क्राइटेरिया है, यहाँ पर आई साइट की रेंज कितनी मांगी गई है, तो ये है पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है आपका। बाकी दोस्तों जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स के बारे में तो कई बार आपको बता ही चुका हूं, एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। जॉब लोकेशन जिस जोन से, जिस रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रेलवे जोन में आपकी हमेशा जॉब लोकेशन रहेगी। जॉब प्रोफाइल मोस्टली पोस्ट आपकी क्लरिकल पोस्ट है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा ज्यादातर पोस्ट के ऊपर। बाकी जो आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है यहां पर आपका दोनों तरीके का काम है, थोड़ा बहुत फील्ड का भी है और थोड़ा बहुत आपका ऑफिस सेक्शन का भी काम है। बाकी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, एग्जैक्टली आपको बता रहा हूंगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर भी आपकी पोस्ट भी आपकी काफी हद तक क्लरिकल पोस्ट होती है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जोन वाइज जॉब, सॉरी जोन वाइज वैकेंसीज के बारे में, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है किस जोन से। ये देख रहे हैं आप अहमदाबाद जोन है, तो भाई अहमदाबाद जोन से टोटल वैकेंसीज 516 है सभी पोस्ट को कंबाइंड करके, ठीक है। पांचों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आप देख सकते हैं। अहमदाबाद जोन से सबसे ज्यादा वैकेंसीज गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर 244, क्लियर है। दूसरा रेलवे जोन आ जाता है अजमेर, अजमेर से टोटल वैकेंसीज 132 ही है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज अजमेर जोन से गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर ही है 77, ठीक है। तीसरा रेलवे जोन आ जाता है हमारा बेंगलुरु, 496 टोटल वैकेंसीज हैं और सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगेन गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर है। सबसे कम वैकेंसीज जो है वो यहां पर आपके सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर है बेंगलुरु जोन से। वहीं पर अगर हम बात करें भोपाल जोन से, सबसे टोटल वैकेंसीज 155 है भोपाल जोन से, सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है भोपाल जोन से वो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर है। भुवनेश्वर जोन से टोटल वैकेंसी 758 निकल के आई है, बिलासपुर जोन से टोटल वैकेंसी 649 निकल के आई है,
वहीं पर अगर हम बात करें चंडीगढ़ जोन से 410 वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें चेन्नई जोन से 436 वैकेंसीज हैं, वहीं पर गोरखपुर जोन से 129 वैकेंसीज हैं, वहीं पर गुवाहाटी जोन से 516 वैकेंसीज हैं, ठीक है। सिंगा श्रीनगर से 145 वैकेंसीज है टोटल। कोलकाता जोन से सबसे ज्यादा वैकेंसीज 1382, कोलकाता जोन से सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 1382, ठीक है, 1382 या फिर 32, 1382 हाँ। मालदा से 198, पिछली बार सबसे ज्यादा गर्दा मालदा जोन ने उड़ाया था, लेकिन इस बार तो 198 ही वैकेंसीज है, दिख भी रहा है क्या आपको, ठीक है। वहीं पर 827 वैकेंसीज जो है वो मुंबई जोन से है। मुजफ्फरपुर जोन से केवल 12 ही वैकेंसीज है और केवल दो ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसी, सबसे ज्यादा बेकार जोन रहा है इस बार ये। प्रयागराज जोन से 227 वैकेंसीज है टोटल, पटना जोन से 111 वैकेंसीज है, रांची से 322 वैकेंसी है, सिकंदराबाद 478 वैकेंसीज है, सिलीगुड़ी जोन से 40 ही वैकेंसीज है, त्रिवंतमपुरम जोन से 174 ही वैकेंसीज है, ठीक है। ये टोटल है 8113 वैकेंसीज, ठीक है। तो भाई ये पूरा फंडा है इस बार का, समझ गए। तो डिटेल वीडियो लेकर आता रहूंगा आपके लिए, जहां पर किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, पोस्ट वाइज जॉब प्रोफाइल हो गई, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, बहुत सारा इंपोर्टेंट कंटेंट आपके लिए आ रहा है, बस आप वेट करिए, ठीक है। और चैनल के ऊपर बनी रही है अगर इस बार एनटीपीसी फोड़ना है, क्योंकि इस बार काफी स्पेशल आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, सारे मैंने डाउट क्लियर कर दी, कोई डाउट रह गया हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों फटाफट रेलवे सामान्य अध्ययन बुक परचेज कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि फिलहाल सबसे बेहतरीन बुक यही चल रही है रेलवे एग्जाम की तैयारी करने के लिए, स्पेशली जीएस की, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आए लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।